हेलो स्टूडेंट, अपने एनसीईआरटी स्किल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं बच्चों, बोली और भाषा में अंतर। यह अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको तीन अंतर बताने वाला हूं, बहुत ही मोस्ट, और समझाने वाला हूं। एक बार में आपको रट जाएगा बच्चों, यदि वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो एक बार में मैं आपको रटा दूंगा अच्छे से, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले एनसीईआरटी स्किल्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। बोली और भाषा में अंतर, तो एक तरफ बोली लिख लेना और भाषा लिख लेना है, ठीक ना। पहला अंतर क्या है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यानी बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मान के चलो आपकी ये थोड़ी बोली क्या होगा, जैसे बुंदेलखंडी, नेपाली है ना, बघेलखंडी है ना, ये सब क्या होते हैं, बुंदेलखंड बघेलखंड, तो उस क्षेत्र में, उस जगह में क्या एक बोली बोली जाती है, एक अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। लेकिन जो भाषा होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसको बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, यानी भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यानी बोली एक कस्बा या एक क्षेत्र ले लिया जाए, उसी क्षेत्र में बोली बोली जाती है। लेकिन भाषा जो होती है, वह एक कंट्री ले लिया जाए या एक स्टेट लिया जाए, तो इसको मतलब बड़े पैमाने पर बोले जाने वाले को भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषा हो गया, इंग्लिश भाषा हो गया, हिंदी भाषा हो गया, कनाडा एक भाषा हो गया, तो इस तरीके से ये भाषा होती हैं, ठीक। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, बोली में साहित्य का अभाव होता है, यानी बोली में कोई भी साहित्य नहीं लिखी जाती है। क्या आप कभी बुंदेलखंड में साहित्य देखे हैं, बघेलखंड में देखे हैं ना, इस तरीके से आप नहीं देखे होंगे। लेकिन जो भाषा में साहित्य की प्रचुर मात्रा में होती, भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होती है, यानी हिंदी में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा साहित्य है, इंग्लिश में देखें तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई, साहित्य यानी कविताएं, यानी कोई बुक है ना। तो क्या होता है कि जो भाषा होती है उसमें क्या होती हैं, साहित्य की प्रचुर मात्रा में होती हैं, यानी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखी जाती है। लेकिन जो बोली होती हैं उसमें साहित्य का अभाव होता है, ठीक। फिर तीसरा नंबर क्या है, बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती, यानी बोली में भाषा समाहित नहीं होती है, यानी एक भाषा जैसे हिंदी भाषा, हिंदी जैसे एक बुंदेलखंडी है, उसके अंदर भाषा नहीं हो, भाषा नहीं होती, भाषा के अंदर बोली होती, यानी भाषा सबसे बड़ी होती है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा होती है, फिर इसके नीचे बोली जाती है, यानी भाषा में कई बोलियां हो सकती है, यानी बोली में कई भाषा नहीं होती हैं। जैसे हिंदी भाषा हो गया, हिंदी भाषा बोलने वाले बुंदेलखंड भी हैं, बघेलखंडी भी हैं, निवाड़ी भी हैं, लेकिन क्या भाषा, जो भाषा है वो मतलब भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती है, जैसे क्या हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नेपाली, निवाड़ी, इस तरीके से बोलियां हो जाती। लेकिन कोई एक भाषा, जैसे मान के चलो एक जैसे बोली, जैसे बुंदेलखंड के नीचे कई बोलियां नहीं होती हैं, कई भाषा नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यह एक छोटे पैमाने पर बोला जाता है, तो बुंदेलखंड बोलने वाले कई भाषा, अलग अलग भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भाषा बोलने वाले कई बोलियां बोली जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा हालांकि, है ना। और यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं इसको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर एक क्वेश्चन है, और तैयार कर लेना, ठीक।